नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो है एक तरीके का पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब ये वर्ड जो है नया, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये पल्मोनरी का मतलब होता है विच टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स। ठीक है, तो पिछले बार जब मैंने तुम्हें चार्ट पढ़ने बोला था टेक्स्ट बुक में से, तो उसमें दिखाया बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट तरीके से, उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनके वजह से वो रेस्पायर करते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, वो लोग लंग्स के मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, और लंग्स के मदद से रेस्पिरेशन जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब इसमें कौन सी प्रोसेस है, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या क्या कर रहे हैं। तो इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इंस्पिरेशन का मतलब होता है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इनहेलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो हमारे नॉस्ट्रल्स हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं। ठीक है, जब सांस लेते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन। अब जब छोटे थे तब इनहेलेशन बोलते थे हम लोग, इनहेलेशन इज़ ऑल्सो ए करेक्ट वर्ड, पर अभी अभी हमारे टेक्स्ट बुक में इंस्पिरेशन बताया गया। नेक्स्ट है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन का मतलब होता है एक्सहेल करना, और फिर थर्ड स्टेप आती है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्चुअल में होता किस तरीके से, इंस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन तो हो गया इनहेलेशन, जब हमारे लंग्स के अंदर एयर चली गई है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था तुमको कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में ऐसे सिंगल लाइन है सेल्स की, यहाँ से बहुत सारे कैपिलरीज ऐसे जाते हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, और यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये हुई हमारी तीसरी जो है ना प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है, ऑर्गन कौन सा है उसका, लंग्स पे। अब लंग में अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग ने क्या दे दिया है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो गया है, सी ओ टू बाहर दे दिया। तो यहाँ से सी ओ टू क्या होगा, नॉस्ट्रल्स के थ्रू फिर से बाहर चले जाएंगे, और ओ टू क्या हो गया, हमारे ब्लड में मिल गया। अब ओ टू क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑक्सीजन मतलब, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हमारा कोई भी ऑर्गन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इसलिए हमने जो भी लंग्स में एक्सचेंज किया, मतलब क्या एक्सचेंज किया हमने, ऑक्सीजन ब्लड में ला लिया, और सी ओ टू क्या कर दिया हमने बाहर, एक्सहेल है वो, अब क्या होगा, इट गोज़ टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो रेस्पिरेटरी जो सरफेस है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि वो थिन होनी चाहिए, वो मॉइस्ट होनी चाहिए, वो हाईली वैस्कुलर होनी चाहिए, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। तो वैसे सारी चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो है स्किन हमारा जो है, व्हाई स्किन इज़ नॉट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर ह्यूमंस और फॉर वर्टिब्रेट्स। तो स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट, जो कि एनवायरनमेंट में एकदम सरफेस या एनवायरनमेंट के सबसे नज़दीक है ना, ये एनवायरनमेंट सबसे पहले इससे रिएक्ट करता है, जो हमारी स्किन है उससे रिएक्ट करता है। तो स्किन जो है, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ सेल्स, इट इज़ मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ सेल, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। तो जैसे तुम्हें पता होगा पहले एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस तो एक हम लोग जब अगर लीफ का बना रहे तो हम लोग सिंपल एक बता देते, पर जो हमारी स्किन की बात कर रहे हैं हम, तो इट इज़ मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, फिर अंदर और आता है डर्मिस। तो ये जो लेयर है हमारे स्किन की वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा थिक है। तो पहला तो हमने पहले पॉइंट कैंसिल कर दिया कि हमने बोला था कि सरफेस क्या होनी चाहिए, थिन, जैसे कि एल्वियोलाई है, स्किन तो बहुत थिक है इसलिए स्किन से रेस्पिरेशन नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि मॉइस्ट रहनी चाहिए हमेशा, जैसे एल्वियोलाई मॉइस्ट रहते हैं, स्किन थोड़ी ना मॉइस्ट रहती है। अब ऐसा सोचोगे कि स्विमिंग पूल में जाएंगे तो वहाँ पे एक्सचेंज होने लगेगा गैसेस, ऐसा नहीं होता। स्विमिंग पूल में जब हम गए तो माँ बोलोगे कि तब तो गीली हो जाती है, तब तो हम मॉइस्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट तो अभी भी कैंसिल आउट है ना, मतलब ये तो डर्मिस लेयर बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये वाला पॉइंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फिर से स्किन से रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। पर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि अर्थवर्म्स और कभी कभी फ्रॉग, वो तुम्हें पता है कब सिनेरियोज में, तो वैसा जो है वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन वो कैसी है, थिन लेयर्ड रहती है, पर हमारी स्किन वैसी नहीं है, ठीक है। इसलिए जो स्किन है, इट इज़ नॉट आ रेस्पिरेटरी ऑर्गन।
नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी वो है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो दो भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और नीचे है सेकंड वाला जो पार्ट है वो है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतने पार्ट्स आते हैं और लोअर पे इतने पार्ट्स आते हैं। तो इसका जो है हमने एकदम डिटेल में स्टडी करना है, तो यहाँ पे मैं बस बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नोज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये है एक्सटर्नल नेयर्स, फिर आता है नेजल कैविटीज़, इंटरनल नेयर्स, नेजोफेरिंग्स, नोज, थ्रोट एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। अब एक्सटर्नल नेयर्स क्या है, तो तुम अगर अपनी नोज़ देखोगे तो वहाँ पे जो दो हमको ओपनिंग्स दिखती है ना, तो वो जो है वो है हमारे एक्सटर्नल नेयर्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में पढ़ाऊंगी, पर यहाँ पे बस मैं एक आउटलाइन समझा रही हूँ। फिर है नेजल कैविटीज़। नेजल कैविटीज़ मतलब वो जो दो ओपनिंग्स है तुम्हारी, वो अंदर तक जाती है ना, पूरा अंदर उसका गैसेस एक्सचेंज होता है उधर, ठीक है, पूरा थ्रोट तक जाती है, तो वो हुआ हमारा नेजल चेंबर। इंटरनल नेयर्स जो अंदर साइड में वो जो दो ओपनिंग्स है उधर, वो हुआ है इंटरनल नेयर्स। नेजोफेरिंग्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेरिंग्स, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नोज, अब नोज तो पता ही है, ये जो नोज है ना ये सारे इसी के पार्ट है, ठीक है। और नोज को हमने डिटेल में पढ़ना है, जब हम नोज पढ़ेंगे तो उसमें एक्सटर्नल नेयर्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नेयर्स, नेजोफेरिंग्स, ये सारे वहीं पे कवर हो जाते हैं। थ्रोट एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, थ्रोट तो पता ही है तुम्हें, जो हमारा गला वाला पोर्शन है वो। लो, ये हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो एकदम फेशियल फेस पे आता है ना ये सारे जो पार्ट है, इसलिए ये क्या हुए हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब जो होता है वॉइस बॉक्स। तो अगर तुम अपने थ्रोट पे ऐसा हाथ रखोगे और कुछ बोलोगे तो जो वाइब्रेट होता है ना वो लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। फिर है ट्रकिया, फिर से अगर थ्रोट पे हाथ रखोगे और जो एक पाइप दिख रहा होगा तुम्हें महसूस होगा, उसको थोड़ा सा हिला के देखना तो वो हिलता है, तो वो क्या है हमारा ट्रकिया। और ट्रकिया के जस्ट पीछे क्या होता है, यूसोफेगस। फिर है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो है ये जैसे कि हमारे पास टू लंग्स है ना, तो इधर एक लंग हो गई, इधर लेफ्ट एंड राइट, ये हो गया ट्रकिया। फिर ये ट्रकिया के बाद इधर जो ऐसे दो भागों में ऐसा बढ़ता है ना, इधर ब्रोंकाई आता है, ठीक। फिर ब्रोंकियोल्स, तो ब्रोंकाई जब और ऐसे बाइफर्केट होंगे तो वो क्या बनाएंगे, ब्रोंकियोल्स। फिर ब्रोंकियोल्स ये वो तो हो गए, फिर ये क्या है, ब्रोंकियोल्स कहाँ जाके अटैच है, अल्टीमेटली लंग्स में। तो जो मेन जो हमको हेडिंग पढ़नी है बुक के हिसाब से वो है नोज, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड एल्वियोलाय। अब एल्वियोलाय कहाँ होते हैं, लंग्स के अंदर जो है ना ऐसे छोटे छोटे एयर सैक्स रहेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाय। अब एज जो है ये अलग से दिया हुआ है, इसको अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं बताया गया है, पर इट इज़ वेरी एसेंशियल, ठीक है। अगर इसका फंक्शनिंग नहीं पता रहेगा तो रेस्पिरेशन हमको समझ में नहीं आता, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा डायफ्राम। अब डायफ्राम कहाँ रहता है, देखो अगर ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी देखें हम लोग, तो यहाँ जो है हमारा ये हम लोग लेके आ रहे हैं ट्रकिया, ट्रकिया के बाद इधर लंग्स हो गया। तो ये जो अपर बॉडी पोर्शन है, जो चेस्ट साइड आता है, ये यहाँ पे रिब केज रहेंगे हमारे, ठीक है, यहाँ पे रिब केज है। तो ये हुआ बॉडी का अपर वाला पोर्शन, ठीक है, चेस्ट साइड में। फिर यहाँ पे होता है डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम के बाद ये, अब पीछे से मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि ट्रकिया के पीछे साइड से कौन ऐसा पैरेलल उसके साथ चलता है, यूसोफेगस। तो यहाँ से समझो, मान लो यूसोफेगस आ रहा है, ये लंग्स जो ट्रकिया जो है ये किसका पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। पर जो यूसोफेगस है वो किस चीज़ का पार्ट है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो यूसोफेगस इसके यहाँ से चल रहा है, यहाँ यहाँ ऐसा, और यहाँ पे फिर ये ओपन कैम में करता है स्टमक में। तो देखो डायफ्राम के ऊपर साइड कौन सा सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और डायफ्राम के नीचे कौन सा हो गया, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में तो नहीं, ब्रीदिंग में है, इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन वाले टाइम पे ये जो है डायफ्राम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।